हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पैप कलेक्शन। दोस्तों, शहर से दूर मरपल्ली माशाल्लाह अमजद भाई के फार्म की ओपनिंग में आए हैं। एमआर गोट फार्म हैदराबाद में इसका ऑलरेडी ब्रांच चल रहा था और अभी बड़े पैमाने पे मरपल्ली में, बहुत बड़े पैमाने पे माशाल्लाह अमजद भाई का नया फार्म। अस्सलाम वालेकुम अमजद भाई। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब भाइयों को। अल्हम्दुलिल्लाह, हैदराबाद से काफ़ी लोग आए हुए हैं माशाल्लाह। सबसे बात करेंगे अपन इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, शहर से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पे ये फार्म है जहाँ पे पलाई का काम हो रहा, ब्रीडिंग सेटअप भी है और पूरा ऑर्गेनिक तरीके से चल रहा। अमजद भाई, तो फार्म का पर्पस क्या है, क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं? फार्म का पर्पस यही है कि हम हमारा फोकस कुर्बानी पे और पलाई पे बस, और ब्रीडिंग सेटअप चला रहे शौक के तौर पे बस। तो मतलब आप जो पलाई पे जानवर रखेंगे वो खुसूसन कुर्बानी के टाइम पे ज्यादा काम में? बस कुर्बानी के लिए पलाई पे रखेंगे, शौकीन बंद हो गए बस, क्योंकि लोगों के पास जगह की किल्लत होती है या मसरूफियात से अपन बकरान का शौक नहीं मुकम्मल कर सकता, तो अपने फार्म पे मुकम्मल कर सकता। और गिजा तो मेरे को मत पूछो भाई, वीडियो लंबी होती है, गिजा में रख दिया आप लोग के सामने, आप लोग शूटिंग में बता देते। तो कितने एरिया पे है एकड़? ये 35 एकड़ पे। 35 एकड़ पे है, तो क्या क्या उगा रहे हैं यहाँ पर? 35 एकड़ में तो एक्चुअली एग्रीकल्चर का काम होता जी, और हमारी 6 एकड़ पे हमारी पर्सनली एक टाइम की घास के लिए उगी हुई, सिर्फ एक टाइम खिलाना, वो भी 6 एकड़ पे उगा लिए। और भाई का तो हम लोग स्टॉल फीडिंग पे सारे मक्का हो गया। जानवरों का फार्म कितने एरिया पे हुई है? पूरा टोटली 35 एकड़ के बीचों बीच में है भाई। इसमें एग्रीकल्चर भी कर ले रहे, आम के झाड़, जाम के झाड़, उसके क्या के अंजीर के झाड़, यानी गोट फार्मिंग के लिए 6 एकड़ फिक्स है। खुसूसन आप मतलब अल्हम्दुलिल्लाह काफी बड़ी जगह है, इसमें आप कहीं भी कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ही आदमी की जगह है। बहुत सारे प्रोसेस है आपके, लेकिन वक्त के हिसाब से करेंगे। 35 एकड़ में 6 एकड़ सिर्फ घास उठी हुई जी बकरों के खाते, जो एक टाइम जाता नाश्ते में बस। इंशाल्लाह दोस्तों, यहाँ की कैपेसिटी भी बताएंगे आपको। अभी फिलहाल कितने जानवर है आपके पास? मेरे फिलहाल 200 चिल्लर है, अगर बच्चों को मिलेंगे तो 200 के ऊपर है। 200 के ऊपर जानवर है। अच्छा, पूरे बकरे है या उसमें बकरियां भी मिलती है? नहीं, बकरे ज्यादा है कुर्बानी के, हमारे पास बकरियां सिर्फ 40 है। 40 बकरियां। चार्जेस क्या रहेंगे अमजद भाई? बिल्कुल 6 महीने के बच्चे नहीं लेने वाला हूँ, 30 किलो का ला लिए, 4 महीने के अंदर का बच्चा जो दूध पीता वो इसका नहीं लेंगे, पूरे जो 6 महीने प्लस लेंगे। 6 महीने प्लस नहीं, 8-9 महीने का बच्चा 35-40 kg के एवरेज में लगा, यानी कि हैवी जर्मन। अच्छा, अगर बर्बरे में आ गया या बेंटम में आ गया तो वो अलग सी बात है, वो तो अपन कर लेंगे। हाँ, वो अलग शक्ल है। अगर जो हाइब्रिड होती है तो मैं 2600 ईच वन का प्राइस बता रहे हैं, अगर आपको सिर्फ ये मेरे बकरी तक का है भाई। अच्छा, बेहतर है, थोड़ा फिर लेते हुए ले लेंगे इंशाल्लाह। और एमआर इंटीग्रल डिजाइनर इनका है, एमआर गोट फार्म मेरा है। माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह भाई, आपका नाम? अमजद भाई के बड़े भाई, मेरे सगे भाई। अल्लाह ऐसा दिख रहा काम सलाम भाई जी। अल्हम्दुलिल्लाह अमजद भाई, काफी कोशिशों के बाद और बहुत ज्यादा जिद्दो मेहनत रही अमजद भाई की। मैं खुद अमजद भाई को तकरीबन 4 साल से पर्सनली जानता हूँ और बहुत ज्यादा मेहनत करे हुए हैं फील्ड में, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो मकाम पे आए, अल्लाह ताला इसमें और आसानी दे। अल्हम्दुलिल्लाह आपका भी सपोर्ट रहता मालूम, बात होते रहती है अमजद भाई से, माशाल्लाह फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा है अमजद भाई के। जी जी, अल्लाह कामयाबी दे, अल्लाह ताला कामयाबी दिए। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त दिया। और मेरे ये मेरे भाई है खान साहब ब्लॉगिंग के यूट्यूब चैनल के ओनर है, खान साहब ब्लॉग्स आपके। हाँ, इनका है माशाल्लाह। अभी इंग्रेज आ रहा है चैनल में भाई, अभी आने वाला है। मेरे को लेके मोटिव तो हुए, पर शूटिंग का थोड़ी आदत है। आपके चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, सब लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई के। क्या नाम है आपके चैनल का? व्लॉग विद खान साहब। व्लॉग्स विद खान साहब, तो कंटेंट क्या है आपका? ट्रैवलिंग और लाइफस्टाइल। अच्छा, लाइफस्टाइल जिसमें फूड है और नए प्लेसेस एक्सप्लोर करना, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है। जल से कितने सब्सक्राइबर्स चल रहे हैं आपके? शुरुआत है, इंशाल्लाह बढ़ जाएंगे जल्द से जल्द। करते रहिए।